हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कानून और आपके अधिकार। आज के वीडियो का टॉपिक है कि अगर कोई मुस्लिम कपल आपसी सहमति यानी कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेता है तो क्या कानूनी रूप से इस तलाक को मान्यता प्राप्त होगी। एक्चुअली मुस्लिम से रिलेटेड सभी प्रकार के मैटर्स, प्रॉपर्टी, शादी, शादी का विघटन, दहेज, गार्जियनशिप, गुजारा भत्ता, गिफ्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, ये सभी मैटर्स मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 के सेक्शन 2 के अंतर्गत शासित होते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 के सेक्शन 2 के अंतर्गत युगल आपसी सहमति एवं सौहार्द से एक दूसरे से समझौता करके अलग हो सकते हैं। एक्चुअली मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के अंतर्गत मुबरात आपसी सहमति पर आधारित अतिरिक्त न्यायिक तलाक है और वही मान्य है क्योंकि यह मुस्लिम विवाह अधिनियम के विघटन से अछूता रहता है। और फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के सेक्शन 7 सबसेक्शन 1B के तहत वो अपनी वैवाहिक स्थिति की घोषणा के लिए कानूनन कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। और फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 सेक्शन 7 सबसेक्शन 1B के तहत कोर्ट को किसी भी व्यक्ति की शादी की वैधता या वैवाहिक स्थिति के बारे में फैसला लेने का अधिकार प्राप्त है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक मुस्लिम युगल भी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं और उसकी घोषणा कोर्ट से करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।